Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more topic for all of you. ये बहुत ही general सा topic है कि weekend में क्या करना चाहिए. Weekend optimization, Saturday और Sunday को क्या करें. ठीक है, ये बहुत ही normal सा topic है, but आज जो मैं आप लोग के साथ discuss करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको सारा चीज समझ में आए, क्योंकि ये आज का वीडियो जनरल वीडियो है, बट एक हम लोग का जो लाइफ है, हम लोग अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपना समय की यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है हिमांशु रंजन क्लासेस. मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, आज का टॉपिक है वीकेंड ऑप्टिमाइजेशन, सैटरडे और संडे को क्या करें. ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स लोगों के लिए, उसके बाद बात करूंगा प्रोफेशनल लोगों के लिए जो कि कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं इस वीडियो को दोनों के लिए मैं बताना चाहता हूँ. पहले स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ और बाद में प्रोफेशनल लोगों के लिए भी बताऊँगा. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वीडियो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग देखते हैं, इसलिए मैं पहले प्रेफर करता हूँ कि पहले स्टूडेंट्स लोग के लिए बता दूँ कि आपको वीकेंड में क्या करना चाहिए, सैटरडे संडे को क्या करना चाहिए. सैटरडे डैट मीन्स कि सैटरडे को इवनिंग के बाद और संडे का पूरा दिन क्या करें, इसका मीनिंग यही है. ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है जो भी आप क्लासेस करते हो तो आपका नॉर्मली सैटरडे तक आपका क्लासेस होता है, मंडे टू सैटरडे. ठीक है, फिर सैटरडे इवनिंग से लेकर के संडे पूरा दिन आपका छुट्टी होता है, तो आप रिलैक्स करते हो. ये सबसे बड़ी गलती है, रिलैक्स करना छोड़ दो, रिलैक्स करना छोड़ दो. क्योंकि अगर आप एक बार रिलैक्स करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका बॉडी हमेशा रिलैक्स मोड में चला जाएगा. तो हमेशा अपना मतलब अपना जो हम लोग का जो बॉडी है उसको हमेशा उसको एक्टिव रखना है. डैट मीन्स कि हमेशा हम लोग को काम करना पड़ेगा. ठीक है, हम लोग हमेशा अगर एक्टिव रहेंगे ताकि हम लोग अपना बेटर यूटिलाइजेशन अपने समय को कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको. सैटरडे तक जो भी क्लासेस किए, जो भी क्लासेस किए उसको रात में अगर आप डेली पढ़ाई करते थे तो उसको तो आप करते ही थे, बट सैटरडे और संडे को क्या करना है. सैटरडे संडे को आपको करना है कि जो पेपर आपका वीक है, जो पेपर आप पहले ठीक से पढ़ाई नहीं किए, जो पेपर आपको थोड़ा वीक लगता है, समझ में थोड़ा आपको कम आता है, तो वो पेपर को आपको सैटरडे और संडे को कवर अप करना है. जो पेपर आपका वीक है उसको आपको सैटरडे संडे को कवर अप करना है. ठीक है, तो फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये हो गया. चलिए अब बात करते हैं फॉर प्रोफेशनल लोगों के लिए, प्रोफेशनल लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो करियर में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं. करियर में ग्रोथ करना है तो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग जैसा भी प्रोफेशनल बहुत सारे लोग हैं. कोई कुछ ही समय में बहुत मतलब एक के लेवल तक पहुंच चुका है, और कोई सेमी क्वालिफिकेशन का कोई और इंसान है, बट उसका जो लेवल है वही रह गया. कोई और इंसान है, उसका लेवल यहाँ तक पहुँच गया. वो क्यों पहुँच गया, सेमी क्वालिफिकेशन का है बट वो यहाँ पहुँच गया. कोई एक यहाँ है जो यहाँ, कोई क्वालिफिकेशन सेमी क्वालिफिकेशन लोग कोई यहाँ है कोई यहाँ है, बट इतना डिफरेंस क्यों है, इसका डिफरेंस क्यों है वो मैं अभी बताता हूँ. बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो सिर्फ जो वर्किंग डे होता है सिर्फ उसी दिन काम करते हैं, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करते, आराम से सैटरडे संडे सोते हैं या फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं. फिर वो अपना फ्यूचर नहीं देखते कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा. तो इसके लिए क्या करना है आपको, हमेशा आपको जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं रहना है. सोर्स ऑफ इनकम हमेशा हर इंसान को एटलीस्ट 2, 3, 4 जितना हो सके आपको सोर्स ऑफ इनकम रखना है. एक सोर्स ऑफ इनकम अगर आप रखते हो तो प्रॉब्लम है. हमेशा आपको एटलीस्ट मोर देन 2, 3, 4 सोर्स ऑफ इनकम रखना है, ताकि क्या होगा कि कहीं एक जगह से भी अगर थोड़ा सा इनफ्लो आना कम थोड़ा हुआ तो चलो दूसरा जगह से तो आ रहा है ना, ताकि आपका जो लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी बना रहेगा. ठीक है, तो जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं आपको मैं अपना थोड़ा अपना बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ. मैं भी जॉब करता हूँ, उसके साथ साथ मैं यूट्यूब बनाता हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, ताकि ये भी यूट्यूब वीडियोस भी एक तरह का आपको आपको मैं सजेशन देता हूँ कि अगर आपके पास भी थोड़ा अगर
मतलब अगर आप कैमरा के सामने बोल सकते हो तो आप भी यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नाउ ए डेज कि यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आपको ठीक है जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो तो होता ही है, इसके साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हो, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो एक मेरा नॉर्मल सजेशन है, ऐसा ऐसा बहुत सारा काम है जो कि आप कर सकते हो, आपको पता है ठीक है, ये बस एक सजेशन था कि ये काम आप कर सकते हो, क्योंकि ये काम हम खुद करते हैं इसलिए मैं आपको बताया ठीक है। तो एटलीस्ट और आप चाहो तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रियल एस्टेट हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, चाहे फिर स्टॉक हो गया, चाहे जहाँ भी हो सके आप वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर करके आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। तो आपको सैटरडे संडे में आपको और समय देना है कहीं और जगह से सोर्स ऑफ इनकम लाने का, ठीक है, आराम करने का नहीं है, सैटरडे संडे को आराम करने का दिन नहीं होता, सैटरडे संडे को दिन एक ऐसा है कि इस दिन आप अपना जो और अदर सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आपका आ सकता है वो आप डिसाइड कर सकते हो सैटरडे संडे को, ठीक है। और एवरी डे जब आप मॉर्निंग में अगर ऑफिस जाते हो, सपोज दैट आपका ऑफिस बहुत ज़्यादा सुबह में है, तो आप इवनिंग में कुछ ट्राई करो कि इवनिंग में कुछ और सोर्स ऑफ इनकम कहीं से अगर आ जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो आपके ऊपर डिसाइड करता, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या टाइमिंग है, आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या है और आपको किस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट का बात होता है, ठीक है, हर एक चीज़ इंटरेस्ट का बात होता है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है अंदर से ताकि तब तक वो काम आप कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं यूट्यूब्स का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, साथ साथ में मैं जॉब करता हूँ, साथ साथ में वीडियो भी बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आप वो काम को ज़्यादा रेगुलरली तक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जॉब करते हो उसके साथ साथ अगर यूट्यूब बनाते हो तो एक वहाँ से तो आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हो रियल एस्टेट या फिर म्यूचुअल फंड, तो वहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है। तो तीन चार ऑप्शंस तो मैं आपको तुरंत बता दिया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि आपको पता है, तो आप वहाँ से भी अर्निंग करना स्टार्ट करिए, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं रहना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था कि बिकेट को ऑप्टिमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज एटमीन से कैसे फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सैटरडे और संडे को क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अगर आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके, सो थैंक यू।